आज के हमारे मुशायरे के सरपरस्त आली जनाब जलाल सिद्दीकी साहब से क्या आप मौसूफ हमारे मेहमान खास जनाब सैयद सलाहुद्दीन साहब का फूलों के जरिए इस्तकबाल करें और उनकी खिदमत में खूबसूरत तोहफा भी पेश करें। एक ऐलान और है और उसके बाद गजल का दौर दोबारा शुरू होगा। पयाम फाउंडेशन की जानिब से हर प्रोग्राम में किसी ऐसी शख्सियत का इंतखाब किया जाता है जो अपने शोबे में भाई भाई इधर इधर देखिए आप लोग इत्मीनान से बैठे बैठ जाए भाई बैठ जाए। पयाम फाउंडेशन की जानिब से जो प्रोग्राम होते हैं जो मुशायरे होते हैं तो उनमें कुछ ऐसे लोगों का या कुछ ऐसे नाम का इंतखाब किया जाता है जो अपने शोबे में नुमाया कारकर्दगी अंजाम दे रहे होते हैं। आज के इस मुशायरे में जिस शख्सियत का नाम एजाज के लिए पेश किया गया है या जिस नाम का इंतखाब किया गया है उनका सहाफत में नुमाया किरदार है सहाफती लाइन में सहाफती शोबे में जो कि हिंदुस्तान अखबार के नुमाइंदे हैं उस अखबार से वाबस्ता है। मेरी मुराद जनाब जावेद सिद्दीकी साहब से है और मौसूफ जो है सहाफत से वाबस्ता होने के साथ साथ एक सरकारी वकील भी हैं। इस वक्त मैं जनाब जलाल सिद्दीकी साहब को जहमत देना चाहूंगा और उनके हवाले से मैं गुजारिश करना चाहूंगा। हम उनका इस्तकबाल करते हैं आज के इस मुशायरे में जलाल सिद्दीकी साहब और सदर मोहतरम और सलाहुद्दीन साहब से सैयद सलाहुद्दीन साहब से गुजारिश करूंगा कि आज की जिस शख्सियत का नाम इस मुशायरे में एजाज के लिए मुंतखब किया गया है आप उनकी खिदमत में यह एजाज पेश करें। हेलो जलाल सिद्दीकी साहब ने जावेद सिद्दीकी साहब को कलम की निशानी देकर उनकी सहाफत का जो डंका बजता है उसकी तायद की है। मैं जावेद सिद्दीकी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप जैसी शख्सियत कलम के जरिए से पूरे जिले में अपनी धाक जमाने का काम करती है। जावेद सिद्दीकी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया।